नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अल्प प्रवास पर रीवा हवाई पट्टी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद सिंगरौली के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्वागत करने के लिए कांग्रेसियों की खासा भीड़ इकट्ठी रही। इस दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर शराब को औषधि बताती है, जिससे सच्चाई उजागर ना हो। मध्य प्रदेश में बेरोजगार, व्यापारी, गरीब सभी परेशान हैं, लेकिन सच्चाई सामने नहीं लाना चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री का स्वागत करने में शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, कांग्रेस जिला ग्रामीण अध्यक्ष भगत शुक्ला सहित सैकड़ों पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। चंद्रमण शुक्ला जी हमारे यहाँ फोटो लेना, फोटो लेना जी। हाँ प्रेसिडेंट, फिर से बोल रहे हैं। जब आपकी सरकार थी, शिवराज सिंह चौहान शराबबंदी को लेकर बड़ी बातें करते थे, लेकिन आज इनके सांसद कह रहे हैं कि शराब औषधि है। शिवराज जी सबको नशे में रखना चाहते हैं कि किसी को सच्चाई समझ ना आए, सच्चाई पहचान ना सके। आज तो मध्य प्रदेश का ये हाल है, हर वर्ग परेशान है। हमारा किसान हो, नौजवान हो, छोटा व्यापारी हो, सब परेशान है। शिवराज जी के पास अब ये उपाय बचा है, सबको नशे में रखो, प्रयास करो कि सब नशे में रहें, ताकि उन्हें कुछ देख ना पाए। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।